तो गाइस अगर आपका एक गेमिंग चैनल है और उस पर व्यूज बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, ना ही उस पर सब्सक्राइबर इंक्रीज हो रहा है और ना ही वो चैनल ग्रो होने वाला है, तो गाइस इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं जिनको आप अगर फॉलो करते हो तो आपका एक महीने में चैनल ग्रो हो जाएगा, इसकी मैं गारंटी ले लेता हूं। और बहुत ही अच्छी ट्रिक बताने वाला हूं और क्या क्या करना है आपको वो भी सारी चीजें मैं बताऊंगा। तो गाइस जो मुझे अच्छा लगता है गेमिंग चैनल में मैं वही चीज आपको बताऊंगा, यानी कि मैं किसी का गेमिंग चैनल देखूं तो मुझे क्या अच्छा लगता है वही चीज आपको इसमें मैं बताने वाला हूं। तो गाइस थोड़ी सी आपको पहले टिप्स बता देता हूं। तो गाइस पहला आपको काम क्या करना है, पहले आपको अपने चैनल को कस्टमाइज करना है, यानी कि उसको बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना है। जैसे आप अपना एक प्रोफेशनल बैनर बनाइए और एक बहुत ही अच्छा करके लोगो बनाना, और आपको यानी कि चैनल का नाम बिल्कुल यूनिक देना, बिल्कुल अलग और बहुत ही अच्छा कर, किसी का कॉपी नहीं करना, आपको खुद का नाम देना। और आपको एक बात और ध्यान रखना है, उस नाम का चैनल यूट्यूब पर नहीं हो वरना आपका चैनल ऊपर नहीं आएगा। और इसके बाद अपने चैनल के कीवर्ड वहां पर लगाने, यानी जो भी आप गेमिंग करते हो उससे रिलेटेड अपने चैनल के कीवर्ड लगाने हैं। वो कैसे लगाने हैं, आप अपने क्रोम में जाके वहां से आसानी से लगा सकते हैं। और आपको क्या करना, बहुत ही अच्छे करके उसका अवार्ड सेक्शन भरना बहुत अच्छे तरीके से, यानी कि कस्टमाइज बिल्कुल बहुत सही तरीके से करना है, तब कोई बंदा आएगा तो आपके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। पहली टिप्स तो ये हो गया। तो सेकंड टिप्स की बात करें, अगर आप अपने चैनल पे लाइव करते हैं, जैसे आपने अभी चैनल स्टार्ट किया और आपने लाइव करना स्टार्ट कर दिया तो आपका चैनल ग्रो नहीं होगा। अब आप सोचेंगे भाई लाइव नहीं करेंगे तो चैनल कैसे ग्रो होगा, तो वो भी मैं बताता हूं। कई देखो, अगर आपने अभी चैनल नया स्टार्ट किया है तो आपके चैनल पे सब्सक्राइबर नहीं है तो लाइव कौन देगा, कोई फायदा नहीं होगा आपका लाइव का। तो आपको करना क्या, आपको पहले अपना गेम प्ले कर लेना, यानी गेम खेल लेना, फिर उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके आपको अपने चैनल पे अपलोड कर देना है। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम है, जब आपके पास सब्सक्राइबर नहीं होंगे तो आपका चैनल कैसे ग्रो होगा, यानी कि उस वीडियो को कौन देखेगा। तो आप उसकी टेंशन छोड़िए, आप सपोर्ट सब करके 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर सकते हैं। जब आपके 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको कम्युनिटी टैब मिल जाएगा और उससे काफी ज्यादा फायदा होगा। और आपको एक्टिव सब्सक्राइबर मैं दिला दूंगा, जो मैं प्रमोशन करूंगा उसमें सबको मैं 1000 सब्सक्राइबर एक्टिव दिलाऊंगा, तो उसकी टेंशन छोड़ दीजिए। लेकिन आपको शुरुआत में लाइव स्ट्रीम नहीं करनी है, ये बात का आपको खासकर ध्यान रखना है। आपको बाद में लाइव स्ट्रीम, जब आपके 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए तब आप लाइव करिए, क्योंकि तब आपके पास बंदे देखने वाले होंगे। ये सेकंड टिप्स हो गया। तीसरे टिप्स की बात करते हैं, तो इस आपको थंबनेल बहुत ही अच्छा करके बनाना। आपको थंबनेल यानी कि YouTube के इमेज का यूज नहीं करना है। आपको क्या करना, आप जो गेम प्ले करते हैं उसमें सबसे अच्छा मूवमेंट हो, यानी कि सबसे बेस्ट जो हो उसी का स्क्रीनशॉट लेके आपको थंबनेल पर लगा देना है। और यानी कि ज्यादा उस पर कुछ नहीं लिखना है, अब थोड़ा बहुत लिख के यानी कि कुछ ऐसी चीज लिखना है ताकि बंदा देखे तो उस पर क्लिक कर दे। तो आपको थंबनेल पर खासकर ध्यान देना पड़ेगा, जो आपकी वीडियो में हो उसी तरीके का थंबनेल आपको लगाना है। अब बात कर लेते हैं अगली टिप्स की। तो गाइस ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स है, अगर आपने इसको सही नहीं किया तो आपका चैनल ग्रो नहीं होगा। तो गाइस आपकी वॉइस बहुत ही ज्यादा अच्छी होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल क्लियर वॉइस आनी चाहिए, और ना ही उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक होना चाहिए, ना ही उसमें बैकग्राउंड नॉइज होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर वॉइस आनी चाहिए। और आपको क्या करना, आपका बोलने का तरीका बहुत ही ज्यादा अच्छा होना चाहिए, और आप कॉमेडी यानी कि कॉमेडी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आप यानी कि डायलॉग मार सकते हैं। इससे क्या होगा कि बंदा बोर नहीं होगा और आपकी यानी कि वीडियो पूरी कंप्लीट देखेगा। तो आपको एक बार जरूर ध्यान रखना कि आपको कुछ ना कुछ ऐसा यानी कि कॉमेडी करते रहना अपनी लाइफ में या अपने गेम प्ले में, तो इससे क्या होगा जो देखने वाला बंदा है वो वहां पर रुक सकता है। और नेक्स्ट टिप्स की बात करें, तो आपको क्या करना, आपको रेगुलर यानी कि रेगुलर वीडियो अपलोड करना। अगर आप लाइव नहीं आ रहे, आपके 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं है, तो आपको क्या करना, रेगुलर वीडियो अपलोड करना। दिन में 3 वीडियो आपको अपलोड करना है अलग अलग टाइम पे, यानी कि रेगुलर वीडियो अपलोड करना। 3 वीडियो के सिवा आप और कोई वीडियो अपलोड नहीं करना, और एक भी दिन का गैप नहीं करना, क्योंकि गेमिंग चैनल की वीडियो एडिट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। गेम प्ले करो और ऐसी अपलोड करो, उनको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके आपको 3 वीडियो बना लेनी है, तो वो अपलोड करनी है। आप नेक्स्ट टिप्स की बात करें, तो भाई आपको वीडियो की यानी कि जो लंबाई है वो 5 से 7 मिनट के बीच की रखनी है। इससे ज्यादा मिनट की वीडियो आपको नहीं बनानी है। जो सबसे अच्छा मूवमेंट हो यानी कि जो सबसे अच्छा गेम प्ले हो और जिसमें कुछ अच्छा दिखाया हो, जैसे किल किए गए हो ज्यादा कुछ, यानी कि जो सबसे फनी मूवमेंट हो, सबसे अच्छा मूवमेंट हो, उसको यानी कि उसी की वीडियो बना के आपको अपलोड करनी है। 5 से 7 मिनट की वीडियो अपलोड करनी है, इससे ज्यादा की वीडियो नहीं करनी है और ना ही इससे कम की करनी है। तो आपको एक बात यह जरूर ध्यान रखना है, ज्यादा लंबी वीडियो आपको अपलोड नहीं करनी है। तो इस नेक्स्ट टिप्स की बात करें, तो आपको चैलेंजिंग गेम खेलना। अगर आप चैलेंजिंग गेम खेलेंगे तो बहुत ही जल्दी आपका चैनल ग्रो होगा। और क्या करेंगे कि आप यानी कि अलग अलग चैलेंज यानी कि अलग अलग गन से अलग अलग तरीके का चैलेंज आप करिए गेम में, तो उससे बहुत ही जल्दी आपका चैनल ग्रो होगा। तो गाइस इसके बाद क्या करना, आपको टूर्नामेंट रखना है, यानी कि आप अगर टूर्नामेंट करेंगे तो आपका चैनल दुगनी तेजी से ग्रो होगा, क्योंकि टूर्नामेंट से बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। और आपको टूर्नामेंट कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं। तो गाइस आपको डिस्क्रिप्शन में एक ऐप की लिंक मिल जाएगी, आप उस पर जाइए, उस पर आप साइन इन कीजिए। साइन इन करने पर आपके सामने 3 यानी कि 3 टूर्नामेंट आएंगे, तो आप उनको ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन कैसे करना है, आप जैसे ज्वाइन पे क्लिक करेंगे, ज्वाइन पे क्लिक करके आपको अपनी यानी कि गेम प्ले की आईडी डालनी, यानी अपनी गेम की आईडी वहां पर डाल देनी है, तो आप वहां पर ज्वाइन हो सकते हैं। 3 गेम मिलते हैं आपको, ड्यू, सोलो और स्क्वाड, यानी कि जो भी गेम खेलना चाहते हैं वहां से खेल सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, यहां से पैसे भी कमा सकते हैं, और यहां आपको पर किल का पैसा मिलेगा। और आप अगर यानी कि मैच जीतते हैं तो उसका अलग प्राइस मिलेगा, आप
आपको और अलग अलग प्रकार के यहाँ पर गेम खेल सकते हैं। अगर आपकी स्किल अच्छी है तो बहुत ही ज्यादा पैसा कमा सकते हैं और इसके बाद आप पेटीएम के थ्रू अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं और यहाँ पर अर्न एंड रिफर का भी ऑप्शन मिल जाता है, किसी को शेयर करके आप पैसे कमा सकते हैं। तो बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन है, आपका चैनल भी ग्रो होगा। जब भी आप टूर्नामेंट करें तो आप लाइव आके अपने चैनल पे दिखा सकते हैं कि इस तरीके से टूर्नामेंट होता है, तो आप काफी ज्यादा अर्न कर सकते हैं और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जरूर उसको डाउनलोड कर लेना। तो गाइस नेक्स्ट टिप्स की बात करें कि आप जब भी गेम खेले तो आप उसमें क्या करना, आपको गिब्बे रखना है, यानी कि किसी डायमंड का रख सकते हैं या किसी भी प्रकार की यानी ड्रेस का रख सकते हैं, तो ऐसे आपको गिब्बे रखना है क्योंकि इससे बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता है। अगर डायमंड का रखते हो तो डायमंड का भी रख सकते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपके लाइव स्ट्रीम में बंदा बहुत जल्दी आएगा। और इसके बाद जो भी आप गेम प्ले करते हैं, जैसे आप पबजी खेलते हैं या फ्री फायर खेलते हैं या कोई अदर गेम खेलते हैं, तो उस गेम के बारे में ट्रिक थोड़ी बतानी है, कोई हैक ट्रिक बतानी है, कोई है यानी कि हर प्रकार से उस गेम के बारे में सबको समझाना है किस तरीके से क्या क्या लेते हैं, यानी कि जो भी सारी चीजें हैं गेम प्ले के बारे में और जो गेम के बारे में वो सारी चीजें सारी ट्रिक आपको समझानी है, तब आपका चैनल ग्रो होगा। और रोजाना एक ना एक वीडियो जरूर अपलोड करना जिसमें आपने कुछ ट्रिक बताई हो, तब आपका चैनल यहाँ से ग्रो होगा। तो गाइस सबसे खास बात बताता हूँ कि आपके जो सब्सक्राइबर है उनके साथ आपको गेम प्ले करना है, यानी कि उनके साथ गेम खेलना है, जिससे क्या होगा कि आपके और आपके सब्सक्राइबर के बीच में बहुत ही अच्छा कनेक्शन बन जाएगा। जब भी आप लाइव स्ट्रीम करेंगे तो आपके सब्सक्राइबर देखेंगे, तो उनसे आपको दोस्ती बढ़ाना है, आओ उनकी आईडी लेके आपको गेम प्ले उनके साथ करना है कि भाई आप मेरे साथ गेम खेल सकते हो, तो इस प्रकार से आपका जो कनेक्शन होगा वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। और गाइस इसके बाद क्या करना है, आपको अलग अलग गेम प्ले करना है, जैसे कि आप अगर फ्री फायर का खेल रहे हैं तो फ्री फायर की जगह पबजी भी खेल सकते हैं और भी कई सारे गेम है उनका गेम प्ले कर सकते हैं, आप एक ही गेम पे गेम प्ले नहीं करना है। और इसके बाद क्या करना, आपको एससीओ पर ज्यादा ध्यान देना है, जो भी आप गेम प्ले करें उसके बारे में थोड़ा बहुत यानी कि डिस्क्रिप्शन में लिख देना है, टैग में लिख देना है और टाइटल भी बहुत अच्छा करके देना है। और गाइस सबसे मेन बात आपको और बताता हूं कि आपको किसी की कॉपी नहीं करनी है, जो बड़े बड़े क्रिएटर हैं उनको देखिए कि किस तरीके से वो गेम खेलते हैं, यानी किस तरीके से गेम प्ले करते हैं, तो उनके देख के यानी कि उसी टाइप के यानी कि आप भी गेम प्ले करिए प्रोफेशनल तरीके से। अगर आप गेम प्ले करते हैं और थोड़ा बहुत हैक का यूज करते हैं, क्योंकि देखो जो बड़े क्रिएटर हैं वो भी हैक का यूज करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि जो हैक का यूज ना करता हो, और आपको थोड़ा बहुत हैक का यूज कर सकते हैं और आप गेम प्ले अच्छा करिए, यानी कि जो भी बेस्ट हो आपका वो चीज दीजिए, तो आपका चैनल बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगा। तो गाइस ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी है जो मैंने इस वीडियो में बताया, एक महीने बाद आपका चैनल ऑटोमेटिक ग्रो हो जाएगा। और रही बात एक्टिव सब्सक्राइबर की, तो आपका भाई आपको 1000 एक्टिव सब्सक्राइबर दिला देगा। आपको यानी कि टेलीग्राम को मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, सचिन टेक नाम से मेरे टेलीग्राम का ग्रुप है, तो उसको आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको वहां से 1000 एक्टिव सब्सक्राइबर मैं दिला दूंगा। और गाइस आपको टूर्नामेंट ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, उसे फटाक से डाउनलोड कर लेना और वहां से आप यानी कि टूर्नामेंट कर सकते हैं, लोगों के साथ मुकाबला कर सकते हैं। अगर आपकी स्किल अच्छी है तो आप वहां से पैसा भी कमा सकते हैं। तो बस आज की वीडियो बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो कर देना लाइक, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। तो बस आने वाली वीडियो में और भी आपको टिप्स देता रहूंगा। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।